सातवें चरण के बाद अलग अलग एजेंसी के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती दिखाई दे रही है। इस बारे में आम जनता क्या सोचती है हम जानेंगे झांसी के मुख्य बाजार से। भाई साहब नाम क्या है आपका? अजीत आहूजा। अजीत जी क्या लगता है आपको जो एग्जिट पोल आ रहा है वो कितने सही कितने क्या लगता है? बहुत ज़्यादा सही है। क्या कारण? पूरे प्रदेश पूरे देश में एमवाई फैक्टर है उसे कहते, महिला और युवा, मोदी और योगी, पूरा एमवाई फैक्टर है पूरे इंडिया के अंदर उसे कहते। इसी की वजह है उसे कहते कि बीजेपी में पीएम मोदी फिर से दोबारा सरकार बना रहे तीसरी बार। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का क्या होगा? क्या होना उनका, फिर से तैयारी करेंगे, भविष्य उनका अच्छा है, उनको संभावनाएं हैं बहुत सारी, करना भी चाहिए कोशिश उनको। भाई साहब क्या मानते हैं आपके, जिस तरह से चुनाव के पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी आपस में एक दूसरे को गलत बातें करते थे फिर एक साथ खड़े हो गए आके, जनता इस कैसे देखती होगी? सिर्फ एक ही मुद्दा उसे कहते मोदी जी को सरकार से हटाना, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, उसी के लिए इकट्ठे हुए, उसी के लिए फिर से बिखर जाएंगे। आदिश जैन। जैन साहब लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, इस तरह की बातें करती थी कांग्रेस। सब कांग्रेस का तो कहना है, वो जो कहते हैं वो सब उल्टा सीधा कहते हैं, उन्हें जो करना होता है उनके कहने के उल्टा होता है सर। नहीं जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट लगभग बन चुकी है थर्ड टाइम में, क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? ऐसा पहले से संभावित था, लोगों ने पहले ही मन बनाया हुआ था कि बीजेपी को ही फुल फ्लैश बनाना है। बेटा नाम क्या आपका? माय नेम इज सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ क्या लगता है जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है वो कितने सही लग रहे हैं आपको? मेरे को तो बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है एग्जिट पोल, और बीजेपी के काफ़ी पक्ष में है एग्जिट पोल। इससे ये क्लियर डिफाइन होता है कि बीजेपी ही आने वाला इलेक्शन जीतेगी और भारी मतों से मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देश का दोबारा बनाया जाएगा। इसमें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बाकी पार्टीज़ हैं उसमें काफ़ी रीजनल पार्टीज़ है, एक जो कांग्रेस और सपा है वो एक नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं, जो कांग्रेस है वो भी काफ़ी रीजनल पार्टीज़ के दबाव में है इस टाइम पे, और बीजेपी जो पार्टी है वो नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, पुअर पीपल के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पॉवर्टी हटा रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, डेवलपमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और डिफेंस काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, तो इसलिए कोई पार्टी उसकी अपेक्षा में और अच्छा काम नहीं कर रही है। कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है और वो भी अभी इस टाइम पर काफ़ी रीजनल पार्टीज़ के दबाव में है, तो वो भी इस टाइम पर नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स को डिफाइन नहीं कर पा रही है इस टाइम पर। मुकेश जी कैसे देखते हैं आप एग्जिट पोल के अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं? देखिए हम पिछले 5 चुनाव से एग्जैक्ट पोल के नतीजे लगभग 95% तक सत्य होने को देख रहे हैं। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और देश में कमल खिलने जा रहा है, वो भी मोदी जी के नाम पर। ऐसा क्यों लगता है? अब एग्जैक्ट पोल से हमने पिछले 5 बार से यही देखा है, और मोदी जी ने देश के लिए इतने अच्छे काम किए हुए हैं, देश को विश्व पटल पर सबसे ऊपर की ओर ले गए हैं।